जी हाँ, ये चार लोग जो हैं ये आज सुबह हमें मॉर्निंग में रिपोर्ट मिली है, जो कि सांबा ज़िले से चार लोग पॉजिटिव आए हैं, और जिसमें से कि एक तो ट्रक ड्राइवर है और जो गुवाहाटी से होता हुआ वाया बिहार जो है वो यहाँ सांबा में पहुंचा था। उसके बाद उसने अपना ट्रक कंट्रोल करके अपने घर में चला गया, तो उसको हमने होम क्वारंटाइन किया हुआ था। उसके बाद उसकी टेस्टिंग हुई तो ये आज पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई इसकी। एक आदमी उसमें से अगर मैं बात करूं तो वो प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो लेडी रूटीन टेस्टिंग हमने उसकी एंटीनेटल चेकअप के दौरान उसकी टेस्टिंग की थी, तो वो पॉजिटिव पाई गई है वो, और उसको जो है हमने इन दोनों को शिफ्ट किया है आइसोलेशन वार्ड सिटी हॉस्पिटल में, प्लस स्क्रीन के साथ जो दो लोग और पॉजिटिव आए हैं उनको भी हमने सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। और जो दूसरे दो लोग हैं उनकी मैं बात करूं तो वो जो हैं उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक लुधियाना से होके वापस आया हमारे पास सीधा जो है सांबा में, और दूसरा जो है वो कानपुर में रहता था और कानपुर से यहाँ आया है। तो अब टोटल कितने एक्टिव केसेस हैं सांबा में सर? इस वक्त हमारे पास 7 केसेस हैं जो एक्टिव केसेस सांबा में चल रहे हैं। देखिए, हमारी टीमें जो हैं ये अब सर्वेलेंस पे निकल चुकी हैं बाहर, और जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो पहले तो जो इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको वो ट्रेस कर रहे हैं और उनको हम जो है आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे और फिर उनके जो है टेस्ट करवाएंगे। देखिए, ये प्रेग्नेंट लेडी है और इसका हमने रूटीन जो एंटीनेटल चेकअप के दौरान इसका जैसे टेस्ट कराते हैं वैसे ही इसका एक टेस्ट लिया था, तो क्योंकि एडवाइजरी में हमें जो लेटेस्ट एडवाइजरी आई है उसमें यह है कि डिलीवरी से 7 दिन पहले हमें इनका जो है एक टेस्ट लेना है कोविड के लिए, तो वो टेस्ट था, उसमें ये पॉजिटिव आ गया।